हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा Moto G54 फ़ोन है, तो Moto G54 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर फ़ोन को आप कैसे रिबूट कैसे कर सकते हैं बिना बटन्स के, तो आज हम बताने वाले हैं कैसे फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर फ़ोन को रिबूट कैसे कर सकते हैं और बिना बटन्स के आप रिबूट कैसे कर पाएंगे मोटो फ़ोन को। तो आज हम बताने वाले हैं कि फ़ोन को बिना बटन्स के रिबूट कैसे कर सकते हैं अपने Moto G54 फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी, जिसका आप यूज़ करके फ़ोन को रीबूट कर सकते हैं बिना बटन्स के। सिंपली स्लाइड करना है, फिर आपको जाना है स्पेशल फंक्शंस पे। स्पेशल फंक्शंस पे जाकर बिना बटन्स के फ़ोन को रीबूट कर सकते हैं बिना बटन्स के। तो सिंपली देख सकते हैं तो आपको एक्सेसिबिलिटी पे जाना है, जहाँ से आपको मेन्यू सेटिंग्स पे जाना है। मेन्यू सेटिंग्स पे जाकर कुछ इस तरीके से मेन्यू शॉर्टकट्स को आप ऑन कर सकते हैं और ऑन करके फ़ोन को रिबूट कर पाएंगे अपने फ़ोन को, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं और फ़ोन को रिबूट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऑन करके शॉर्टकट्स पे जाकर इस पर क्लिक कर देंगे और जब आप इस पर क्लिक कर दें तो फ़ोन आपका रिबूट हो जाएगा बिना बटन्स के, और क्लिक करते ही फ़ोन आपका रिबूट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके ज़रिए फ़ोन को रिबूट कर सकते हैं और आप शट डाउन भी कर सकते हैं फ़ोन को, इमरजेंसी कॉल भी आप लगा पाएंगे। तो इस तरीके से फ़ोन को रिबूट कर सकते हैं बिना बटन्स के अपने मोटो फ़ोन को। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें। थैंक यू, वीडियो अच्छी लगी तो